शोरमा चैनल। तो आज हम बनाएंगे चिकन शोरमा। तो हमें चिकन शोरमा के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हम देख लेते हैं। तो हमें उसके लिए लगेंगे 2 कटोरी मैदा और तेल और चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर और गरम मसाला और नमक और ये फूड कलर है और ये ओनियन, टमाटो और कैप्सिकम और अदरक का पेस्ट, दही और चिकन और ये तंदूरी मसाला और ये मेयोनीज और विनेगर, ओरिगेनो, बेकिंग पाउडर। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो हम अब हम बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग पाउडर डाल देते हैं, सॉल्ट और इसका डो बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे टाहिनी सॉस। तो हम टाहिनी सॉस में ब्लैक पेपर डाल देते हैं और चिली फ्लेक्स और नमक, ओरिगेनो और लेमन जूस और हम इसमें विनेगर डाल देते हैं। हम इसमें मेयोनीज डाल देते हैं और हम इसको मिक्सी में पेस्ट कर लेंगे। तो हमारा टाहिनी सॉस रेडी हो गया है। तो अब हम चिकन मैरिनेट करते हैं। तो हम इसमें लेमन जूस डाल देते हैं और दही और अजवाइन का पेस्ट। अब हम इसमें तंदूरी मसाला डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं और हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देते हैं, चिली फ्लेक्स और हम इसमें फूड कलर डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं इसमें सॉल्ट डाल देते हैं हम इसे आधे घंटे के लिए रख देते हैं। तो देखिए हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसे आधे घंटे का पेस्ट डाल देते हैं और ओनियन we
टमाटर डाल देते हैं। और कैप्सिकम, चिकन डाल दी है।
सॉस डाल देते हैं। रोल कर देते हैं। तो देखिए हमारा चिकन शोरमा रेडी हो गया है। तो देखिए हमारा चिकन शोरमा रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप भी इसे घर पर बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइएगा कि चिकन शोरमा कैसा बना। तो बाय दोस्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो पर।